एक ओर जहां सरकार आम लोगों के हित के लिए कई योजनाएं चलाकर अधिकारियों के माध्यम से उनका अनुपालन कराने की बात करती है, तो वहीं लॉकडाउन के बावजूद कई अधिकारी और बिचौलिए अवैध रूप से अपनी जेब गर्म करने में लगे रहते हैं। सरकार जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से लोगों तक राशन पहुंचाने के प्रयास में लगी है, जबकि जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को भी जांच के नाम पर अधिकारियों के दलाल डरा धमकाकर पैसे की मांग करते हैं। ताजा मामला भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के भवानीपुर गांव का है, जहां एक महिला डीलर ने जगदीशपुर वीडियो के साथ घूमने वाले दलाल दीपक कुमार पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। इसको लेकर भवानीपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 में जनवितरण प्रणाली की दुकान चलाने वाली डीलर रूबी कुमारी ने जगदीशपुर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। दर्ज कराए गए प्राथमिकी में रूबी कुमारी ने दीपक कुमार पर 15,000 रुपये मांगने, मोबाइल छीने जाने समेत कई गंभीर आरोप लगाया है। रूबी कुमारी ने कहा कि 16 अप्रैल को जगदीशपुर वीडियो दोपहर के वक्त उनके जनवितरण प्रणाली दुकान पर जांच करने पहुंचे और स्टॉक पंजी के साथ वितरण पंजी का भी जांच करने लगे। तभी वीडियो के साथ आए दलाल दीपक कुमार जबरन उसके कमरे में घुस गया, जिसका विरोध महिला डीलर ने शुरू किया। रूबी कुमारी ने कहा कि दीपक ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और डीलर का लाइसेंस कैंसिल कराने की धमकी भी दी। इसके बावजूद भी पंजी लेकर वीडियो ने भंडार रूम की जांच की और पंजी को अपने साथ प्रखंड कार्यालय ले गए। रूबी कुमारी ने कहा कि वीडियो ने उसे प्रखंड कार्यालय आने का आदेश दिया, जिसके बाद डीलर रूबी कुमारी शाम के वक्त वीडियो के कार्यालय पहुंची। रूबी कुमारी ने कहा कि कार्यालय में वीडियो के अलावा दीपक कुमार भी मौजूद था। वीडियो के कहने पर दीपक मुझे कार्यालय के अंदर ले गया और शिकायत मिलने की बात कहते हुए पैसे की मांग की और पैसा नहीं देने पर डीलर का लाइसेंस रद्द कराने की धमकी भी दी। इस दौरान अचानक दीपक की नज़र रूबी के मोबाइल पर पड़ी और उसने मोबाइल छीन लिया। रूबी कुमारी ने कहा कि मोबाइल में उसने सभी बात रिकॉर्ड कर ली थी, जिसके कारण दीपक ने उसे जाति सूचक गाली से संबोधित करते हुए अपमानित किया। हालांकि बाद में वीडियो के कहने पर मोबाइल की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दीपक ने मोबाइल के साथ स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी भी वापिस कर दिया। इस संबंध में जब वीडियो साहब से बात की गई तो उन्होंने दीपक को अपना रिश्तेदार बताते हुए महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया। तारीख को हमारे यहाँ वीडियो साहब आए हुए थे जांच में, उसके साथ एक लड़का दीपक दलाल नाम का एक लड़का आया हुआ था। वो सारा यानी कि वीडियो साहब हमारी जांच कर रहे थे पेपर सब का, यानी कि स्टॉक क्या है, फला क्या है, यानी कि सारा स्टॉक देखा। ग्राहक को यानी कि पूछा कितना वजन दे रहा है या कितना पैसा ले रहा है, तो वो दीपक दलाल जा करके सीधा अंदर मेरा बेडरूम गया, वहाँ पूरा वेरीफाई करने लगा, घर का पूरा जांच किया। जांच करने के बाद यहाँ से गया, मेरा पंजी वगैरह रजिस्टर वगैरह उठा के लेके चला गया। वहाँ कहाँ लेके चला गया? ब्लॉक लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ दीपक जाना यानी कि दीपक दलाल वीडियो साहब कुछ नहीं बोले, दीपक दलाल बोला कि 4 बजे शाम में ब्लॉक आ जाना है, वहाँ उसके बाद हमसे मिल लीजिएगा आ करके। हम गए तो क्या हुआ फिर? वहाँ गए तो फिर हमको यानी कि वीडियो साहब के सामने गए तो वीडियो साहब दीपक दलाल को बोला कि वहाँ अंदर लेके जाओ। कहाँ गया? अंदर कैंटीन रूम में ले जाके बैठाया, वहाँ बातचीत होने लगा, डरावनी धमकौनी देने लगा कि यानी कि तुम्हारा कागज रद्द कर दिया जाएगा, तुम बहुत यानी कि गलत कर रहा है, यानी कि मेरे साथ रहता है, मेरे भाई एक तरह है, और जब भी जाते हैं, हमको पैर ठीक नहीं है, जब भी जाते हैं उनको साथ में रखते हैं, और मेरे साथ प्रखंड कर्मी भी थे, इसके साथ पत्रकार लोग भी थे, वहाँ पर आम पब्लिक भी थे, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी बात है, जो जांच किया गया डीएम साहब के द्वारा करवाया गया था, जो भी जांच किया गया उसका रिपोर्ट अभी भेजे नहीं, भेज भी रहे, कल लाइन नहीं थी, इसके कारण उनका कुछ पंजी लाए थे फोटो से करा के रखने के लिए, आज भेजवा रहे हैं उसका, ऐसा कोई बात नहीं है। संपूर्ण लॉकडाउन के बाद देश के किसान विकट परिस्थिति से जूझ रहे हैं। हजारों एकड़ में लगी रबी की फसल कटाई नहीं होने के कारण खेतों में ही बर्बाद हो रही है। वहीं इन फसलों पर गांव के बिचौलिए और अपराधियों की भी नजर है। भागलपुर में एक दर्जन से अधिक हार्वेस्टर होने के बावजूद किसानों की लहलहाती फसल अब तक सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंची और न ही किसानों को अनाज का उचित मूल्य मिल पाया है। खेत में काम कर रहे किसान अब लॉकडाउन में भुखमरी के शिकार हो गए हैं, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों की मदद के लिए अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिया है। इधर फसल पकने के बाद किसान माथा पकड़ चुके हैं। लॉकडाउन 2 में जिले के किसानों की क्या समस्या है, इसकी हकीकत जानने के लिए सिल्क टीवी की टीम शनिवार को जगदीशपुर पहुंची और खेत में अन्न उगाने वाले किसानों से उनका दर्द जाना। आइए हम आपको दिखाते हैं लॉकडाउन के दौरान अन्नदाताओं को क्या परेशानी हो रही है।
भारत को किसानों का देश कहा जाता है और यहाँ की 70% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और खेतीबाड़ी करती है। लेकिन लॉकडाउन के बाद देश के किसानों की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेने हम भागलपुर के जगदीशपुर गांव में पहुंचे हैं और हम इस वक्त खेत में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि रबी फसल यहाँ पक चुकी है और रबी फसल की कटाई होनी थी, जो रबी फसल था उसकी कटाई होती। और हम आपको बाली दिखाते हैं कि ये देखिए, इसमें गेहूं का दाना है, ये जब मिलों में जाता तो इससे गेहूं निकलता और किसानों को इसका लाभ होता। लेकिन लॉकडाउन के बाद जो खेत की स्थिति है कि आप देख सकते हैं फसल चारों तरफ लगा हुआ है, लेकिन इसकी कटाई अब तक जो होनी थी वो नहीं हो पाई है। हालाँकि कुछ कटाई हुई है खेत में। किसान देखिए किस तरीके से माथा पकड़ करके बैठे हुए हैं। किसान अपनी इनका इनकी जो फसल है वो फसल को लेकर के काफ़ी चिंतित है। लॉकडाउन हो गया है और लॉकडाउन के कारण इनकी फसल खेतों में ही पड़ी है, कोई लेने वाला फसल नहीं है। हालांकि सरकार के द्वारा यह बात कही जा रही है कि पैक्स के माध्यम से गेहूं की खरीदारी होगी और इनको उचित मुआवजा मिलेगा। लॉकडाउन में किसान की क्या स्थिति है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, क्यों आप माथा पकड़ के बैठे हुए हैं? उपजे ना अवलो से जीरो और होगलो से गेहूं कटड़िए ना आबे छी। लॉकडाउन है पता है? हां। क्या मिल रहा सुविधा? सुविधा कुछ ना मिला। तो देखिए किसान बता रहे हैं कि कोई सुविधा नहीं मिला है। दूसरी कटाई जो करती हैं खेत में वो मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए क्या दिक्कत, परेशानी क्या है? हमारा खाल ना जुटी रलो है तो हमारा काटल ना एहतियात की करती हूँ। सरकार के तरफ से कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिलता है, कैसे भूखा रहेंगे, मरेंगे कि बचेंगे, कुछ नहीं, बच्चा बुतरुक की खाएगा। क्या नाम है आपका? जीरा देवी। देखिए इनके पास खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है और इनका कहना है कि जो इनको फसल काटने के लिए यहाँ आए हैं, कुछ इनको कुछ लाभ हो जाए इसको लेकर के वो आए। खाने पीने की इनके पास कोई साधन मौजूद नहीं है। हालांकि प्रशासन की ओर से एक भी अधिकारी अब तक इन किसानों के पास नहीं पहुंचे। हम आपको दिखाते हैं फिर से खेत की तस्वीर कि किस तरीके से खेत में फसल लगा हुआ है, लेकिन इसकी कटनी जो होनी थी वो अब तक नहीं हो पाई है। किसानों की क्या हालत है वो हमने आपको दिखाया। रियलिटी में प्रशासन को और जो यहाँ के मुखिया हैं उनको यहाँ इन किसानों का सुध लेना चाहिए। सिल्क टीवी भी जिला प्रशासन और सरकार से अपील करती है कि वो किसानों का सुध ले और इन किसानों को जो जिनके पास खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है उनको सहायता दी जाए। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ईएनटी हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर एचआई फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी, नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वैसे परिवारों को भी आर्थिक सहायता दिया जाएगा। वहीं भागलपुर में भी राशन कार्ड से वंचित 15,000 से अधिक परिवारों ने नगर विधायक अजीत शर्मा को आवेदन देकर सहायता उपलब्ध कराने की मांग की थी।
जिसके बाद विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसकी सूचना पत्र के माध्यम से दी। शनिवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विधायक ने कहा कि लॉकडाउन में गरीब और असहाय लोग भूख से तड़प रहे हैं, फिर भी सरकार और जिला प्रशासन सिर्फ कागजी प्रक्रिया ही अपना रही है। प्रेस वार्ता के दौरान अजीत शर्मा ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की हड़ताल समाप्त कराने के लिए पहल करनी चाहिए। साथ ही विधायक ने जिला में स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से खाद्य सामग्री वितरित करवाने की बात कही। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि जिलाधिकारी प्रणब कुमार को जनता की समस्या से अवगत करा दिया गया है, इसके बावजूद बिना राशन कार्ड वाले परिवारों के लिए जिला प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उद्देश्य है कि जो हम आवाज उठा रहे थे कि राशन कार्ड के घपले में नहीं पड़ना है, राशन कार्ड का कोई औचित्य नहीं है उनको राशन देने का। अभी जो मानवता के आधार पर जो लोग गरीब हैं, भूखे हैं, उनको अनाज देना है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को 27 तारीख से ही पत्र लिख रहा हूँ और लास्ट अंतिम पत्र में 10/4 को लिखा, उसके बीच में हमने 4 पत्र उनको लिखा और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जो आग्रह माननीय मुख्यमंत्री से किया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन और रुपया दिया जाए, उन्होंने कल घोषणा भी किया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है, माननीय मुख्यमंत्री से हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, आप निर्देश तो देते हैं, निर्देशित करते हैं, लेकिन जिला पदाधिकारी एवं वहाँ जो पदाधिकारी लोग पदस्थापित हैं वो निश्चित तौर पर संज्ञान में तो बात लेते हैं, लेकिन सही रूप में मॉनिटरिंग कमेटी बना के सही रूप में जो गरीबों को उसको मिलना चाहिए, पार्षद जो अगर पार्षद यहाँ शहर में विधानसभा में उनको साथ रख के गरीबों को अनाज देना चाहिए, गांव कस्बे में मुखिया को साथ रखना चाहिए, तभी सही गरीबों को मिल पाएगा। ये हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमने जो उठाया बात आपसे आग्रह किया, 27 तारीख को पहला पत्र लिखा और आपने संज्ञान में ली, इसलिए उनको नमन करते हुए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लॉकडाउन के कारण जहां लोगों को अपने दैनिक कार्यों के साथ खाने पीने की समस्या सता रही है, वहीं वाहनों के नहीं मिलने से मरीज एवं उनके परिजन भी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शनिवार को कुछ ऐसा ही नजारा नाथनगर में दिखाई दिया, जहां प्रसव के बाद तपती धूप में महिला को बच्चे के साथ ठेला से घर ले जाना पड़ा। अनीता देवी ने कहा कि 8 दिन पूर्व ही बेटी पूनम कुमारी को एक निजी क्लिनिक में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद पूनम ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शनिवार को टाका कटने के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया और अब वह अकबरनगर जा रही है। अनीता देवी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण वाहन नहीं मिलता है और आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, जिसके कारण बेटी और उसके बच्चे को ठेला से ही घर ले जाना पड़ रहा है। लॉकडाउन में जहां सामाजिक संस्था और सरकार के माध्यम से लोगों को खाद्य सामग्री एवं भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, वहीं वाहन नहीं मिलने से मरीजों को खुली धूप में ठेले से घर ले जाना भी कोरोना समेत कई बीमारियों की संभावना को बढ़ाता है। आ रहे हैं डॉक्टर कम से। क्यों गए थे? परसेंट लेके गए तो वहां से कोई सुविधा नहीं मिला? नहीं सर। तो इसी ठेला से जा रहे हैं? हाँ। कहाँ से आए थे? आए थे तो बहुत दूर से सर, भागलपुर खड़गपुर से घुरा दिया तो वहाँ से लेकर तक यहाँ आए, रेफर कर दिया, ये बहुत दूर के मेरे बेटे। लॉकडाउन के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थानीय पुलिस के द्वारा मजदूर एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। शनिवार को नाथनगर ललमटिया पुलिस ने पका हुआ भोजन मोहनपुर गांव के सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया। ललमटिया थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर लगातार भोजन वितरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे परिवार हैं जिनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, वैसे परिवारों को चिन्हित कर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें थाना की पूरी पुलिस टीम काफी सहयोग कर रही है। जनवितरण प्रणाली विक्रेता और लाभुकों के बीच विवाद अब आम बात हो गई है। लाभुक जहां कम अनाज और मनमानी करने का आरोप डीलरों पर लगाते हैं, तो वहीं डीलर द्वारा मनमानी करने से समस्या बढ़ जाती है। लॉकडाउन को लेकर सरकार ने सभी डीलरों को समय पर लाभुकों तक राशन पहुंचाने का निर्देश दिया है। ऐसा ही एक मामला भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर गांव से सामने आया है। गांव के पीला कार्ड राशनधारी हरिओम भारती जब अपने राशन डीलर घोल्टन शाह की दुकान पर राशन लेने पहुंचे, तो डीलर द्वारा हरिओम भारती को 35 किलो की जगह 25 किलो अनाज ही दिया गया। हरिओम भारती ने जब कम अनाज देने का विरोध किया तो डीलर और उसके पुत्र मदन एवं वरुण ने उसके साथ बदतमीजी की और धमकी भी दी। गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना राशन कार्ड वालों को भी समुचित सहायता मुहैया कराने की बात कही है, लेकिन यहां तो अंत्योदय राशन कार्डधारी के साथ ही बदसलूकी कर रहा है और कम राशन दिया जा रहा है। वहीं जब पीला राशन कार्डधारी को कम अनाज देने का कारण पूछा गया
तो डीलर घोल्टन शाह ने कहा कि मशीन में 25 किलो अनाज बताने के कारण ही उपभोक्ताओं को 25 किलो अनाज दिया गया है, जबकि एमओ को जब डीलर की शिकायत की गई तो उन्होंने 25 किलो अनाज देने को जायज ठहराया और डीलर एवं उपभोक्ता के बीच आपसी रंजिश का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। दिन 3:10 पर जब मैंने राशन उठाने के लिए घोल्टन डीलर के पास मैंने गया तो घोल्टन डीलर ने राशन 35 केजी के स्थान पे हमको 25 केजी ही दिया। जब मैंने इसका विरोध किया कि अंत्योदय पीला राशन कार्ड पर 35 केजी आप लिखते हैं और फिर जो है 25 केजी देते हैं, तो इस पर उसने हमको जो है घेर कर मारने का प्रयास किया, जिसका वीडियो मेरे पास है और उसमें अपशब्द का भी उसने प्रयोग किया है। ऐसा सर ये सब होवे नहीं क्या? दोनों एक चूट से लड़ा हुआ, हम लोग उस टाइम थे नहीं प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में नहीं थे। जब हम लोग एमओ साहब और आए जांच करके गए होने के बाद सब कुछ निकला, गया एमओ साहब इधर, हम घर आए, घर गए खाना खाने के लिए, तो पापा मेरा बैठा हुआ था पक्की, तो उसको बोला, ये भी बोला वो भी बोला, दोनों बोल करके हम आए दौड़ते, हल्ला किया, हटा दिए उसका यूनिट जो मशीन से निकला 25 केजी, वो 25 केजी हम दे दिए, और प्लस 6 यूनिट का निकला पीएम मोदी वाला 30 केजी, हाँ उसको भी 30 केजी, टोटल मिला के उसको 55 केजी हम दे दिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता सह नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी पप्पू यादव पिछले 3 सप्ताह से लगातार जरूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं। लॉकडाउन में क्षेत्र के असहाय लोगों को कोई समस्या नहीं हो, इसको लेकर वार्ड की जनता के बीच राजद नेता पुलिस प्रशासन के सहयोग से राहत सामग्री बांट रहे हैं। शनिवार को नाथनगर थानाध्यक्ष सज्जाद हुसैन की देखरेख में पप्पू यादव ने सभी समुदाय के लोगों के बीच राहत पैकेट वितरित किया। जनता के दुख दर्द में साथ रहने वाले समाजसेवी ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण दुनिया भर में त्राहिमाम मचा है, ऐसे में मानवीय सेवा को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को तभी रोका जा सकता है जब लोग खुद से सरकारी एडवाइजरी का पालन करेंगे। जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व पर हम सब सारा लोग भागलपुर में लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, सभी वर्ग को तन मन धन से तैयार है। चावल की व्यवस्था हो, दाल की व्यवस्था हो, गेहूं की व्यवस्था हो, आपका तेल की व्यवस्था हो, सारा चीज का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। किसी प्रकार को जनता को दिक्कत नहीं होने देंगे, कोई भी जनता भूखे नहीं सो, इसके लिए हम सब पहल कर रहे हैं। दो नाथनगर विधानसभा, भागलपुर विधानसभा, दो दो विधानसभा पूरे जनता को रोज शिविर में 23 दिन से शिविर चला के जनता को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। हमारे कल थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन साहब भी आए, उन्होंने देखा कि रोज 200 आदमी को यहाँ, रोज गरीब को अनाज, सभी चीज पैसा से लेके सारा चीज व्यवस्था कर रहे हैं। लॉकडाउन में परेशान गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन भी आगे आ चुका है। शनिवार को विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान, यातायात एसआई मुकेश कुमार सिंह और पुलिस जवानों ने पर्वती नया टोला में असहाय परिवारों के बीच भोजन बांटा। सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हुए थाना अध्यक्ष ने सभी जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री दी, साथ ही घरों में स्वच्छता बनाए रखने की बात कही। मौके पर डॉक्टर प्रदीप कुमार शाह, राजेश कुमार समेत कई समाजसेवी मौजूद थे। वहीं बंगला कोठी बरारी वृद्ध सेवा आश्रम के द्वारा वृद्ध जनों के बीच राहत पैकेट बांटा गया। इस दौरान वृद्ध सेवा आश्रम के आचार्य दिनेशानंद ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। आचार्य ने बताया कि भागलपुर में अब तक हजारों वृद्ध जनों के बीच राहत सामग्री उनके घरों तक पहुंचाई जा चुकी है। इधर नुसरत वेलफेयर सोसाइटी की ओर से भी गरीबों के बीच राहत पैकेट बांटा गया। सोसाइटी के महासचिव मौलाना जाहिद हालमी कासमी ने बताया कि इसाकचक थाना क्षेत्र में इसाकचक पुलिस की मदद से जरूरतमंदों की सहायता की गई। मौलाना कासमी ने कहा कि विपदा की इस घड़ी में देश के सभी संपन्न लोगों को जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर समाज में असहाय लोगों की सेवा करनी चाहिए। वहीं राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में शनिवार को गोराडी प्रखंड के डहरपुर गांव में जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिहाड़ी मजदूरों के बीच राहत बांटा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाज के संपन्न लोगों को विपदा के समय में आगे आकर पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। मौके पर विश्वजीत कुशवाहा, गुरुदेव यादव सहित कई लोग मौजूद थे।
भागलपुर भीपुर प्रखंड के मिल्की गांव में शिक्षक महबूब अंसारी एवं उनके सहयोगियों के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए खादी कपड़ों का मास्क तैयार किया जा रहा है। एक ओर जहां सरकार ने सभी लोगों को मास्क लगाने एवं चेहरे को ढककर निकलने का आदेश जारी किया है, वहीं बाजारों में मास्क की कमी एवं अधिक कीमत के कारण कई लोग मास्क का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। इसको देखते हुए हड़ताली शिक्षक अपनी कंपनी एम क्रिएशन के कर्मचारियों के साथ लॉकडाउन में मास्क तैयार करा रहे हैं। खास बात यह है कि बाजारों में जहां महंगे मास्क मिलते हैं, वहीं खादी एवं सूती कपड़े से तैयार किया गया मास्क महज 20 से 25 रुपए में लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रहा है। मास्क निर्माण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा नियमों का खासा ख्याल रखा जाता है। इस पहल से जहां लोगों को कम कीमत में मास्क उपलब्ध हो रहा है, तो वहीं लॉकडाउन में भी यहां 2 दर्जन से अधिक पुरुष एवं महिलाओं को रोजगार मिला है। महबूब अंसारी ने कहा कि अब तक 55,000 से अधिक मास्क तैयार किया जा चुका है और इस दौरान सैनिटाइज करने के साथ लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है।